परवर्ती खबर को आसवा पश्चिमबंग में बीजेपी नवान अभियान तृणमूल कांग्रेस दुर्नीति अभियोग में बीजेपी सेक्रेटेरिएट अभियान मेगा रैली में सामिल होती हजार हजार दलय कर्मी नेता ट्रेन जोगे राज्य विभिन्न स्थानों कर्मी कोलकाता में पहुंची कांग्रेस सरकार दुर्नीति करुवा अभियोग पश्चिमबंग बीजेपी उक्त प्रतिवाद पदयात्रा आरंभ कर तृणमूल कांग्रेस जो भाव में दुर्नीति संप्रक्ति अच्छी से पदयात्रा आयोजन करजेपी सेपरी नवान्न अभियान में जोगदेवा कोलकाता जावाई बाहरी बीजेपी कर्मी रानीगंज रेलवे स्टेशन बाहर संघर्ष घटना पर पुलिस सामान को हाजत को नहीं राली बेले पुलिस और बीजेपी कर्मी मुहांमुही होती बीजेपी कर्मी पुलिस लाठी माड़ करने सहित लुह बुहा गैस और पानी माड़ कर पुलिस माड़ में बहु कर्मी आहत होतीपटे कि पुलिस कर्मी भी आहत होती पुलिस विरोधी दल नेता शुभेन्दु अधिकारी गिरफ्त कर में 10-12 हजार लोग ये लोग इंडिविजुअल आकर इकट्ठा हुआ ये हम लोग को जाने नहीं देगा। हम लोग प्रोग्राम पहले दे दिया, डिक्लेयर प्रोग्राम है, मैसेज भी कर दिया। वो हम लोग को तो गाड़ करके ले जा सकता है, हम लोग को तो नवान घुसने का कोई इरादा नहीं है। और आप इंडिविजुअल नेता है, आप लोग को लेकर पूछ लीजिए, एमपी को पूछ लीजिए, एमपी जी को पूछ लीजिए। ए संपर्क अधिक अपडेट पाई आम न्यूज 18 कोलकाता प्रतिनिधि सौरभ तिवारी वर्तमान फोलाइन अच्छा। सौरभ जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या अपडेट क्या आपके पास, बताइए। देखिए, अभी तक सत्रागाछी में जो बीजेपी प्रोटेस्टर हैं वो बीजेपी प्रोटेस्टर पुलिस के ऊपर पथराव कर रहे हैं अभी भी, और बहुत देर से करीबन एक घंटे से ये चल रहा है। बीजेपी जो प्रोटेस्टर है वो पथराव कर रहे हैं पुलिस कर्मियों के ऊपर, और उसके उपयुक्त पुलिस कर्मी टीयर गैस के सेल उनके ऊपर विस्फोट कर रहे हैं। अभी तक बहुत सारा जो बीजेपी कार्यकर्ता है, बीजेपी कार्यकर्ता को हिरासत में लिया गया है। बोला जा सकता है इस वक्त का जो सिचुएशन है, सत्रागाछी स्टेशन के प्लेटफॉर्म के अंदर जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो छिपे हुए हैं, और वहां से पुलिस के ऊपर पथराव कर रहे हैं, ढेर सारा पथराव कर रहे हैं, और पलट के पुलिस के तरफ से टीयर गैस के जो सेल है, टीयर गैस के सेल उनके ऊपर दागा जा रहा है। तो पुलिसकर्मी यहाँ पे इंजोर भी हुए हैं उनके पथराव से, और अभी तक करीबन बहुत सारे बीजेपी कार्यकर्ता जो नवान्न अभियान की तरफ बढ़ रहे थे, बीजेपी कार्यकर्ता को हिरासत में लिया गया है। पुलिस अभी तक उनको काबू में लाने का कोशिश कर रही है, अनाउंसमेंट किया जा रहा है पुलिस की तरफ से, पर बीजेपी कार्यकर्ता की तरफ से पुलिस के ऊपर भारी पथराव किया जा रहा है। ईंटा पत्थर से पुलिस के ऊपर वो पथराव कर रहे हैं, पलट के पुलिस उनको काबू में लाने के लिए स्पेशल विस्फोट कर रहे हैं, बहुत जन को हिरासत में लिया गया है। तो सौरभ जी, ये बंगाल में फिर एक बार टीएमसी और बीजेपी आमने सामने आ गए है, अभी बताइए अभी वहाँ पे क्या सिचुएशन है। देखिए, आज सुबह जब नवान्न अभियान के लिए सत्रागाछी बस स्टैंड से जा रहे थे सौमित्र कांत सांसद के नेतृत्व में, उसके बाद ही जो बीजेपी कार्यकर्ता है, बीजेपी कार्यकर्ता बैरिकेड तोड़ने का कोशिश करते हैं, एवं बैरिकेड तोड़ने का कोशिश जब वो कर रहे हैं उस समय जल कमांड का जो वाटर कैनन है वो इस्तेमाल किया जाता है, बाद में उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। बहुत सारा कुछ वो लाठीचार्ज में उनको हिरासत में लिया गया, पुलिस उनको हिरासत में लिया, पर बहुत सारा जो बीजेपी कार्यकर्ता का गुट है वो गुट पुलिस के ऊपर लगातार पत्थरबाजी कर रहे हैं, जिसकी पत्थरबाजी से पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, और पुलिस उनको काबू करने के लिए अभी तक जो टीयर गैस के जो सेल है वो विस्फोट किया जा रहा है, उनके ऊपर लक्ष्य करके टीयर गैस के सेल विस्फोट किया जा रहा है। अभी तक जो आमने सामने जो बीजेपी के कार्यकर्ता को समझाने का कोशिश किया जा रहा है, हावड़ा सिटी पुलिस के जो उच्च अधिकारी है उनके द्वारा उनके साथ आलोचना किया जा रहा है, ताकि वो जो पत्थरबाजी कर रहे हैं वो पत्थरबाजी बंद किया जाए, पर पुलिस के तरफ से लगातार उनके तरफ से बीजेपी कार्यकर्ता के तरफ से लगातार उनके ऊपर पत्थरबाजी किया जा रहा है, और इस पत्थरबाजी में बहुत सारे पुलिस घायल हुए हैं। एक पुलिस फिर इस पत्थरबाजी में घायल हुए हैं, उनको काबू में लाने के लिए फिर टीयर गैस की सेल का विस्फोट अभी किया जा रहा है। सब मिला के सत्रागाछी स्टेशन का जो जगह है वहाँ पे बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस के बीच में जो झड़प है वो अभी तक बना हुआ है।
सौरभ जी ये बताइए कितने लोग इंजर्ड हुए हैं और कुछ जानकारी है आपके पास बताइए ना। देखिए बीजेपी के तरफ से जो शिकायत किया जा रहा है कि पुलिस के टियर गैस फेंकने के कारण उनके बहुत सारे कार्यकर्ता घायल हुए हैं, पर बीजेपी कार्यकर्ता द्वारा जो पथराव किया गया है वो पथराव में बहुत सारे पुलिस के अधिकारी पुलिसकर्मियों को गंभीर रूप से चोट लगी है पर अभी तक पुलिस उनके साथ बातचीत आलोचना करने में जुटी हुई है, पर आलोचना के बीच में ही बीजेपी कार्यकर्ता के तरफ से लगातार पथराव किया जा रहा है।